आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग शेयर करने के लिए इनवाइट करेंगे रितु कपूर आंटी को। रितु आंटी, प्लीज आए और सत्संग शेयर करें। गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की संगत को प्रणाम। थैंक यू सो मच गुरु जी फॉर ऑल योर ब्लेसिंग। ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है हमारे लिए जो आप हमको ये आपका गुणगान करने का एक अवसर देते हैं। आपकी ब्लेसिंग हमेशा हमारे साथ है। But before I start, I want to mention a special thanks to Vikram uncle and the whole team कि उनका इतना effort होता है इसमें, because ये platform इतना खूबसूरत है कि जिसमें हम connect होते हैं गुरुजी से, the connection becomes stronger, तो संगत के साथ भी connection एक बनता जाता है। So this is a beautiful platform. Thanks again Vikram uncle and the mandir and the whole team. मैं अपनी जर्नी सुनाना चाहूंगी, शायद शुरू से बहुत बार सुनाई हुई है, लेकिन इन ब्रीफ आई लाइक टू टेल इट टेल यू पीपल अगेन कि जिस दिन से मैं गुरुजी के पास आई हूँ, माय जर्नी हैज बीन सो ब्यूटिफुल। वो शायद दिन जिंदगी का बहुत ही खूबसूरत दिन था जिस दिन मैं गुरुजी के पास गुरुजी के दर्शन किए। उस समय इतनी समझ नहीं थी हमें कि हम रब के आगे खड़े हैं, ये गुरुजी नहीं, ये साक्षात शिव हमारे सामने हैं, ये भगवान, मतलब बचपन से यही सुना है। बचपन से यही सुना था कि भगवान तो दिखते नहीं और भगवान से डर के रहो, लेकिन गुरुजी के पास आने के बाद पता लगा नहीं, भगवान से डरना नहीं, भगवान को तो प्यार करना है, भगवान तो प्यार के मूर्त हैं। गुरुजी के दर्शन करने के बाद मतलब अभी भी ये समझ नहीं आती कि हमारी कितनी खुशनसीबी, वी आर ऑल सो ब्लेस्ड कि गुरुजी ने हमको अपनी शरण में लिया। कहते ना असी पागा वाले है गया कि गुरुजी ने अपनी शरण में लिया, हमको अपने फोर्ड में लिया, इतनी प्रोटेक्शन दी, इतनी कृपा उनकी हमारे पे हर पल बरसती है। तो ये कभी कभी बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि इतनी गुड फॉर्चून and we are all so blessed, we are all so protected, हर पल उनकी protection हमारे साथ है, हमारा रब, हमारा गुरु हमारे अंग संग रहते हैं हर पल। एक आंटी हमेशा ये सत्संग सुनाती हैं कि गुरु जी ने उन्हें कहा था कि मुश्किल वेले कोई नहीं, गुरु ही कम आएगा, कोई फैमिली नहीं तो कोई रिश्तेदार नहीं तो कोई कुछ नहीं। एंड सच में संगत जी, हम सब ये एक्सपीरियंस करते हैं कि हम चाहे अकेले बैठे हों, चाहे कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ जाए, गुरु ही हमको प्रोटेक्ट करते हैं। सो मेनी प्रॉब्लम्स कम इनटू आवर लाइफ, फिजिकल भी आते हैं, मेंटल भी आते हैं, रिलेशनशिप में भी आते हैं, फाइनेंशियल भी आते हैं, लेकिन गुरु जी हमको हर मुश्किल से निकालते हैं, हर पल हमारे साथ। ऐसे हुआ है कि मेरे गुरु ने मुझे संभाला है, मतलब जब भी मैं सत्संग करती हूँ मेरे दिल से ये दिल से बिल्कुल आवाज आती है कि गुरु जी आज मुझे कोई ऊपर से नीचे फेंके, सच में आप मुझे संभालोगे, आप में अपने हाथों में मुझे उठा लोगे। एंड एक्चुअली गुरु जी ने ये मुझे कितनी बार दिखाया है कि मैं फैमिली के साथ अपनी ब्रदर सिस्टर्स के साथ एक बार चल रही थी एंड एक बच्चा कहीं से आया और मेरी टांग पे इतनी जोर से उसने, वो छोटा सा बच्चा था, चल भी नहीं पा रहा था ठीक से, एक साल का होगा, उसको चलना भी नहीं ठीक से आता था, एंड वो मेरी टांग से टकराया और मैं इतनी बुरी तरह गिरी और वो कॉन्क्रीट जगह थी एंड हम इतना धीरे चल रहे थे, मेरे ब्रदर सिस्टर सारे मेरे आस पास थे लेकिन किसी को मैं पकड़ नहीं पाई, किसी को मैं पकड़ नहीं पाई कि पकड़ के मैं रुक जाऊं गिरने से, मैं इतनी बुरी तरह गिरी। और फिर मुझे संभाला किसने, मेरे गुरु ने, बिकॉज सब घबरा गए कि आंटी क्या हो गया, तो बहुत बुरी तरह गिर गई, माय सिस्टर माय ब्रदर्स गॉट सो वरिड कि क्या हो गया तुझे, चोट तो नहीं लगी है। पर मैं उठी संगत जी, मुझे कुछ नहीं था, जरा सी खरोच एक अंगूठे पे, स्लाइट स्वेलिंग ऑन माय थंब, दैट्स ऑल, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब ऐसे गुरु जी संभालते हैं। एक बार और मेरी हम अभी एक हॉलीडे पे गए हुए थे, वहां भी मेरे हस्बैंड मेरे साथ चल रहे, मेरी हमारी फ्रेंड्स साथ चल रहे,
और चलते चलते इतनी बुरी तरह मुझे एक गार्ड में किसी स्प्रिंकलर इतनी बुरी तरह ठोकर लगी और मैं एकदम नीचे गिरी. एंड अगेन सब घबरा गए पर मेरे गुरु ने मुझे संभाल लिया. मतलब हर टाइम जब हम कहते हैं ना कि गुरु जी इज प्रोटेक्टिंग, हिज प्रोटेक्शन इज अमेजिंग एकदम. एक बार मेरी पूरी दुपट्टे में आग लग गई एंड मतलब मेरे साइड में कपड़े भी जल गए और मैंने हाथों से अपने, कोई नहीं था किचन में मेरे साथ, मैंने अपने हाथों से वो जो फ्लेम्स थे वो बुझाए, पर कुछ नहीं हुआ. मतलब अमेजिंग प्रोटेक्शन जो गुरु जी से हमें मिलती है, उनकी ब्लेसिंग्स, उनका प्यार हमारे साथ हर पल रहता है. गुरु जी बदले में कुछ नहीं मांगते, वो हमसे सिर्फ सिर्फ और सिर्फ प्यार मांगते हैं. वो एक प्यार की मूर्त है, इज प्योर लव. गुरु जी इज प्योर लव. मतलब टुडे आई फील लाइफ वुड बी सो यूजलेस. मतलब बिल्कुल कुछ लाइफ में नहीं इनके सिवा, इनके बिना हम शायद जीरो, बिल्कुल जीरो. और ये साथ है तो हम हीरो हैं, इनके बिना बिल्कुल कुछ नहीं है. आज मेरे मॉम डैड नहीं है बट ही इज माई मॉम, माई डैड. मेरे रब भी ये हैं, मेरे गाइडिंग स्टार भी यही हैं, माय एनर्जी पिल. जब भी लगता है एनर्जी लेवल लो जा रहे हैं, नेगेटिविटी बहुत अंदर हो रही है, उनके सामने बैठ के अरदास करने की जरूरत होती है. बस एक अरदास करो और गुरुजी आपको एकदम उस नेगेटिव एनर्जी से निकालते हैं, इतनी एनर्जी देते हैं, इतनी पॉजिटिविटी देते हैं, क्योंकि वो वैद्य भी तो हमारे हैं ना. सारे शिव पुराण क्या कहती है, शिव पुराण में यही लिखा है ना कि गुरुजी कि शिव जी सारे संसार के वैद्य हैं. तो सारे संसार के वैद्य हैं तो हमारे भी वैद्य वही हैं. हर एक मेडिसिन जो हम खाते हैं उनकी ब्लेसिंग से वो मेडिसिन काम करती है हमारी बॉडी में. उनकी ब्लेसिंग नहीं हो तो वो हमारे शरीर में काम भी नहीं करेगी मेडिसिन. वो काम करती है तो ये गाड़ी चलती है. सो उनकी ब्लेसिंग हर पल हमारे साथ है एंड ही इज माय बेस्टेस्ट फ्रेंड. आज किसी से भी प्रॉब्लम्स डिस्कस करने को मन नहीं करता सिवाय गुरुजी के, बिकॉज लगता है हेल्प भी वही करेंगे, साथ भी वही देंगे, सॉल्यूशन भी वही बताएंगे. बाकी तो सॉरी टू से दुनिया काफी तमाशा देखती है और काफी ज्ञान देने की कोशिश करती है, लेकिन एक गुरु हमारे हैं जो हमको हर पल गाइड करते हैं, राइट डायरेक्शन में लेके जाते हैं और हमारी हर डाउट को आंसर करते हैं, हमारी हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन निकालते हैं. सो गुरु जी के स्वरूप से बातें करना, और गुरु जी खुद कहते थे मेरे स्वरूप ना गल करो तो मैं जवाब दांगा. सो वो गुरु जी के स्वरूप से बातें करने की मेरी शुरू से, मैं जब भी जोर जला के बैठती हूँ ना गुरु जी के सामने तो मैं संगत जी बिल्कुल भी पाठ नहीं कर पाती. मैं बिल्कुल भी जाप नहीं, आप लोग पता नहीं घंटे घंटों जाप करते हैं, मैं कुछ नहीं कर पाती. मैं बस गुरु जी का से बातें करती, शिव पुराण पढ़ के अपना 15-20 मिनट और गुरु जी से खूब बातें करनी. सो मैं जब बातें करो गुरु जी से तो ये होता है कि हम ये गुरु जी से बता रहे हैं कि गुरु जी आज ऐ होया सी और इसने ये बोला, उसने ये बोला. तो ये हम जब बातें करते हैं तो वी ऑल्सो टेल गुरु जी की, गुरु जी मैं ऐ गलत किया, हूं मैं कल नहीं करांगी, प्रॉमिस करती हूँ. किसी को गुस्सा किया, किसी से झगड़ा किया, गुरु जी प्रॉमिस करते हैं. पर डे टू डे स्ट्रगल जो हमारी होती है, डे टू डे इम्प्रूवमेंट जो हमारी होती है, जो गुरु जी कहते ना पांडा साफ करके मेरे सामने, मैं थोड़ा पांडा साफ कर दिया, मैले करके आ जाते हो. तो ये पांडा हम साफ करते ही रहते हैं, ये उनसे डायलॉग करके, उनसे बातचीत करके, उनसे बात करके तो मुझे बहुत सुकून मिलता है. और मैं गुरु जी कहती थी, गुरु जी आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, आप ही मेरी हेल्प करोगे. बट समवे डीप डाउन मुझे एक ना गिल्ट सी फीलिंग आने लगी कि मेरा गुरु सोचता क्या होगा कि ए कुछ नहीं कर दी, ए सिर्फ मेरे ना गलना ही कर दी रहती है. सो मैंने एक दिन बहुत ये मतलब ये गिल्ट फीलिंग मेरे साथ बहुत दिन से रही. तो मैंने एक दिन गुरुजी से बोला, मैंने गुरुजी मैं ना बहुत परेशान हो गई हूँ कि ये मेरे साथ बहुत. पर एक दिन क्या हुआ कि एक सत्संग का इनवाइट आया हमें, ये नारंग अंकल के घर सत्संग था एंड वहां पे रश्मि आंटी आई और उन्होंने सत्संग किया कि लंदन से, कि वो लंदन गई हुई थी और लंदन से आई है अभी.
तो वहां पे कहते हैं मुझे गुरुजी ड्रीम में आए, और मुझे गुरुजी ड्रीम में आके कहते हैं कि इतने ना बहुत यंग गर्ल्स है संगत दिया, और उन्होंने इकट्ठा कर और एक सत्संग कर, और वो सत्संग उन्होंने कह, बिकॉज उन्होंने को टाइम नहीं है, वो बहुत बिजी रहती है तो उन्होंने को टाइम नहीं है, उन्होंने कह तू कि गुरु नू अपना फ्रेंड समझन और गुरु ना गल्ला करन। सो संगत जी मैं तो इतनी खुश हुई, ऐसे यू नो गुरु जी थैंक यू सो मच कि इतनी गिल्ट फीलिंग हो रही थी मुझे कि मैं गुरु जी मैं तो आपसे सिर्फ बातें ही करती हूँ। सो ये गुरु जी ने मुझे इस तरह जवाब दिया, वो हर हर एक डाउट जो हमारे माइंड में होता है ना किसी थ्रू, या तो सत्संग के थ्रू या तो शब्दों के थ्रू, किसी ना किसी जरिया एक बना देते हैं जो हमारा हर डाउट वो क्लियर करते हैं। तो ये तो स्वरूप से बातें करने की बात में कर रही थी, वह गुरु जी के स्वरूप एक जो मुझे बहुत पसंद है। तो मैं एक बार हम लोग एक शादी पे गए हुए थे, तो वहां पे एक संगत के बेटे की, किसी संगत आंटी के बेटे की शादी थी, तो हम लोग संगत के काफी वहां बैठे थे। तो एक आंटी मेरे को कहती हैं कि, मैंने उनको बोला, मैंने कहा मुझे ना ये गुरुजी का स्वरूप बहुत पसंद है, जहाँ पे गुरुजी ना ऐसे हाथ करके अपने फेस पे ऐसे हाथ करके बैठे हैं, तो आई लव दैट स्वरूप गुरुजी का। तो वो कहती है हाँ ठीक है, स्वरूप तो ठीक तुम कह रही हो, लेकिन गुरुजी से सोल टू सोल कनेक्शन बनाओ, गुरुजी के सोल से कनेक्शन बनाओ। और वो बहुत देर तक अपना सत्संग करती रही कि कैसे गुरुजी ने चोला छोड़ने के बाद उनको दिखाया था कि, कहती मैं बहुत उदास थी, तो गुरुजी ने मुझे दिखाया कि वो सोल रूप में अपनी गद्दी पे बैठे हैं, कहते मैं कितने नहीं गया, मैं इतने ही आ, तो मेरी सोल नाल कनेक्ट करो। तो दिस इज वॉट शी वॉज टेलिंग मी, मेरे को ये सुनाती रही काफी देर तक, उनका सत्संग चलता रहा और मैं चुपचाप सुनती रही, पर मैं सुनती रही, पर मैं यू नो ऐसे सुन रही थी जैसे बच्चे को कुछ आप समझाओ तो वो सुनता है ना, एक कान से सुना और दूसरे से निकाला नहीं, बट यू नो वो दिल में नहीं बिठाई बात, वो रजिस्टर नहीं करी अंदर, कितनी उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी उस बात को, हमने हाँ ठीक है यू नो ऐसे कर दिया। उसके बाद हम लोग सब उठे, शादी के बाद खत्म हो गई, तो हम लोग अपनी गाड़ियों में बैठ गए और हम अपने घर के लिए निकले। तो रास्ते में ही मुझे एक फोन आती है एक आंटी की, ये आरती आंटी है, मुझे कहती है कि मैं उनको तब बिल्कुल भी जानती नहीं थी, आई थिंक एक बार मिली थी शायद, तब बिल्कुल नहीं जानती थी, मुझे गुरुजी ड्रीम में आए और उन्होंने मुझे कहा कि आपको फोन करके ये मैसेज देना ही है, तो मैंने आपका नंबर ढूंढ के आपको फोन किया है कि ये मैसेज आपको देना ही है कि गुरुजी आपके घर में जो मंदिर है वो स्वरूप से निकल के बाहर आके गद्दी में बैठे, और आंटी को कहते हैं, आरती आंटी को कहते हैं कि रितु नु कह दे कि मेरी सोल नाल कनेक्ट करे, कि स्वरूप स्वरूप कर दिए सारा टाइम, मेरे सोल नाल कनेक्ट करे। सो संगे जी आई अंडरस्टूड कि ये तो मतलब सोल टू सोल कनेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद गुरु जी। आप स्वरूप से बातें करो, आप स्वरूप जवाब देंगे आपके, लेकिन जो सोल टू सोल कनेक्शन है इट इज सो अमेजिंग, इट इज सो ब्यूटिफुल एंड इट इज सो डिवाइन, कि वो एक कनेक्शन आपका आ जाए ना तो आपके अंदर गुरु जी समा जाते हैं, वो कनेक्शन इज रियली ब्यूटिफुल। The importance of Shiv Puran also I would like to talk about, because गुरु जी ने मुझे जब मैं गुरुजी के पास गई, मैं बहुत नई थी, तो गुरुजी मुझे एक दिन कहते हैं कि आंटी तो बड़ी चैटिंग कर दी सी ना, ये मैंने शायद मेंशन नहीं किया कि मैं जब गुरुजी के पास आई हूँ उससे पहले मैं चैटिंग करती थी, और मुझे गुरुजी के पास लेके गई थी, आई कॉल हर लिटिल एंजल विजया सिंह, तो वो मुझे गुरुजी के पास लेके गई और गुरुजी को कहती है गुरुजी ये मेरी चैटिंग आंटी है। तो और मैं सोच रही हूँ वहां खड़ी कि ओहो इसको ये बोलने की क्या जरूरत थी, उनको क्या पता लगेगा कि मैं चैंटिंग करती थी, मुझे थोड़ा पता था कि मैं रब के आगे खड़ी हूँ, जिनको ना कुछ कहने की जरूरत है ना कुछ सुनने की जरूरत है, वो तो सब अंतर्यामी हैं, वो तो परमेश्वर के आगे खड़ी हो कि तुम क्या सोच रहे हो। एनीवे तो वो मेरे को मैं मुझे वो लेके गई, तो गुरु जी मुझे कहते हैं कि नाम की है, मैं कह रोमा, कहते ना गंदा नाम, अच्छा चांटिंग कर दिए, मैं क्या हाँ जी गुरु जी। सो एनीवे वो बात खत्म हो गई। फिर मुझे गुरु जी एक दिन कहते हैं कि बहुत वेली है ना चांटिंग कर दी है, जा शिव पुराण लेके आ, शिव पुराण पढ़िया कर। सो अब मुझे तो, मैंने तो कभी शिव पुराण देखी भी नहीं थी,
और मैं शिवपुराण ढूंढने चली गई, पर ये सुना था कि बहुत बड़ा ग्रंथ है कोई, तो मैंने शिवपुराण ढूंढने निकली। मैं जाती छोटी छोटी दुकानों में जहाँ पे ये आरती का सामान मिलता और ये मंदिर का सामान मिलता, और मैं वहां जाके पूछ रही हूँ कि मेरे को एक छोटी शिवपुराण चाहिए। वो कहते जी हमारे पास तो नहीं होती, इतने ढूंढने में काफी दिन लग गए। तो एक दिन फिर मुझे गुरु जी कहते हैं, मैं तेनू क्या शिवपुराण ले आन वास्ते आंटी, तू शिवपुराण नहीं लेके आई। मैं क्या गुरु जी वो छोटी शिवपुराण ही नहीं मिल रही। कहते तो छोटी किन्ने क्या सी, मैं तो वड्डी शिवपुराण क्या है। मैं क्या गुरु जी वड्डी शिवपुराण कौन पढ़ेगा। कहते तू पढ़ेंगी और रोज एक पेज पढ़ेंगी। वो संगत जी दैट वॉज सच ए ब्यूटिफुल मैसेज, जो मुझे उस टाइम तो समझ नहीं आई, लेकिन मैं शिवपुराण बड़ी लेके गई, गुरु जी के पास लेके गई। गुरु जी ने उस शिवपुराण को ब्लेस किया, उसी शिवपुराण में उन्होंने मेरा नाम रोमा से ऋतु रखा, उसी शिवपुराण में उन्होंने मेरी पूरी फैमिली को ब्लेस किया। दैट शिवपुराण इज माई लाइफ लाइन टूडे। आज 17 साल हो गए हैं संगत जी, मैंने वो शिवपुराण का रोज एक चैप्टर पढ़ती हूँ, बिकॉज दैट कनेक्ट्स मी टू माई गुरु स्ट्रेट वे। जब मैं वो जोत जला के सामने बैठती हूँ, साक्षात गुरु जी लगते हैं सामने बैठे और सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि ए हाँ मैं इनू ए क्या सी, ते ए मेरा ए हुक्म इन्हें मनिया। दैट इज माई मोस्ट मोस्ट प्रेशियस पोजेशन। में दुनिया के किसी कोने में चली जाऊं, वो शिवपुराण तो मेरे साथ ही रहता है। मैं बिना जल बिना अन्न आई वॉन्ट टू रीड माई शिवपुराण, एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू गुरु जी की मैं चाहती हूँ मेरी इस लाइफ में क्या हर लाइफ में गुरु जी कभी मेरा शिवपुराण के साथ, कभी आपके साथ, कभी ये साथ ना टूटे। तो ये साथ तो कभी टूटना है ही नहीं वैसे भी। ये गुरु जी ने बहुत जबरदस्त ये ब्लेसिंग मेरे को ही नहीं दी है, आई थिंक पूरी संगत को दी है, विच आई वुड लाइक टू शेयर कि ये 14 मई का मैं आपको सुना रही हूँ ये मैसेज, ये सत्संग 14 मई अब फिर आने वाला है। एंड इट मेक बहुत बहुत याद आती है इन दिनों गुरु जी की। गुरु जी हमारे साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे, बट वो जो प्रेजेंस उनकी जहाँ हम बैठ के उनसे बात करते थे, उनसे उनकी स्माइल के लिए हम लोग तरसते थे, और अगर गुरुजी हमको बुला लें और हमको देख के स्माइल कर दें तो हमारा मतलब दिन बन जाता था, लाइफ बन जाती थी। मतलब इतना उनसे लगाव, इतना प्यार उनसे हमारा हो गया था। तो ये मंडे का दिन था और हम बड़े मंदिर गए हुए थे। तो उन दिनों हम मंडे के मंडे ही जाते थे बड़े मंदिर, तो हमें पता लगा कि गुरुजी यहाँ आए हुए हैं। तो हम गुरुजी के पास, तो हम मतलब एकदम सुन के कि गुरुजी आए हुए, एकदम ऐसे दिल में कुछ हुआ देते थे हम लोग गुरुजी के साथ पास जाएंगे और ये कहेंगे वो मांगेंगे, ये कहेंगे, कुछ होश नहीं रहती थी। तो वो पता नहीं कहाँ अपने जूते फेंके और हम गुरु जी से दर्शन करके, और गुरु जी गार्डन में बैठे हुए थे उन दिनों, वो चल रहा था रेनोवेशन चल रही थी हॉल की, और गुरु जी हॉल में बाहर गार्डन में बैठे थे। अंदर बुला लो गुरु जी, अंदर बुला लो। सो गुरु जी ने मुझे अंदर बुलाया और गुरु जी ने मेरे को कहा सत्संग कर। और गुरु जी पहले भी मुझे कहते थे सत्संग करने के लिए, पर मैं जब भी गुरु जी मुझे बोले सत्संग करने के लिए तो मेरा ना बिल्कुल ही नर्वस हो जाती थी, लाइक इतनी नर्वस हो जाती थी कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाती थी और मैं गलत मलत बोलती थी। और गुरु जी कहते नहीं एंज नहीं एंज कही था आंटी, तो यू नो आई मीन These were Guruji's ways of training us, Guruji's ways of मतलब अपना प्यार जो वो हम पे लुटाते थे ये छोटी छोटी बातों से। So it was so beautiful. So ये मुझे तो मैंने जब मेरे को संगत कोई भी पूछती थी ना उन दिनों की आप गुरुजी के पास कब से आने शुरू हुए, तो मेरे दिल से ये निकलता था कि मैं जन्मों से गुरुजी के पास आ रही हूँ।
लेकिन उस टाइम जब गुरुजी ने पूछा कि सत्संग कर, तो मेरे मुंह से निकलता है कि गुरुजी कुछ महीने तो जब तू आपके पास आई हूं ना, आपके पास आने लगी, तो गुरुजी कहते ना आंटी इंज नहीं कहीदा, इत जन्म का साथ है। सो दीज वर द मोस्ट ब्यूटिफुल वर्ड्स जो मैंने मेरे गुरु ने मुझे बताए, गुरु ने मुझे कहे, और मतलब वो वर्ड्स मेरे लिए इतने इतने प्रेशियस थे। शायद इसीलिए मैंने गलत बोला कि मेरा गुरु मुझे कहे कि बस हमारा जन्मों का साथ है। तो संगत जी, ये हम सबका, जो जो गुरुजी ने जिन जिन को अपनी शरण में लिया है, जिन पे उनकी ब्लेसिंग्स हैं, हम सबका गुरुजी के साथ जन्मों का साथ है। आज जब भी मन उदास होता है, ये सोच के इतनी खुशी होती है कि गुरुजी हम तो जन्मों के साथ ही हैं, हम तो इस जन्म में नहीं, हर जन्म में हम साथ होंगे। उस दिन मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं आपका मंदिर बनवाऊंगी अपने घर में। तो गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया और गुरुजी ने बहुत प्यारी स्माइल दी, और फिर मुझे कहते हैं, फिर देखिए होते अमृत ही अमृत। तो अब वो इतना सुंदर मंदिर बना, मेरा उसमें कुछ भी नहीं था, वो सारा गुरुजी ने और गुरुजी की संगत ने वो सारा मंदिर बनाया। वो मेरे लिए तो वो एक जन्नत थी, है और हमेशा रहेगी। मैं कहती हूँ वो जन्नत मेरे से कभी भी नहीं छूटे। जब मैं वहां बैठती हूँ जोत जला के अपने गुरु के सामने, वो गद्दी में विराजमान होते हैं सामने, मैं उनको देख नहीं पाती, बट मैं उनको महसूस कर पाती हूँ। मेरे हर श्वास में, मेरे रोम रोम में, मेरी हर धड़कन में वो ऐसे बसे हुए हैं कि उनके दर्शन, तो आंखें बंद करो तो हर पल उनको महसूस कर सकती हूँ। कितनी बार वो ऐसी सोच डालते हैं दिल में, दिमाग में, कि जो हम काम नहीं कर सकते, जो हम सोचते हैं बहुत मुश्किल है हमारे लिए, वो भी काम वो हमको हमारी सोच में, हमारे दिल में डाल के वो भी हमारे लिए इतने आसान कर देते हैं। जब हमने पहला सत्संग वहां पे करना था, तो मैंने गुरुजी को, मैंने अपनी सिस्टर को बोला, मेरी एक सिस्टर है जिसका नाम रीटा है, आजकल वो दुबई में है, तो मैंने उसको बोला कि मैं गुरुजी का सत्संग करना चाहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पास आओ। तो बिकॉज मैं बहुत नर्वस, मुझे समझ नहीं आ रही कि कैसे सारी तैयारी करूंगी। ये मेरी सिस्टर जो है, ये मैं इसको गुरुजी के पास लेके गई थी। तो ये जब गुरुजी के पास गई, तो ये गुरुजी इसको दूर से देख के कहते हैं, ए किनू ले आई, ए ते शिव भगत हैगी और तू ते नास्तिक हैगी। तो मैंने कहा, ना गुरुजी मैं नास्तिक नहीं हूँ, अब तो मैं आपकी भगत। तो गुरुजी हंसने लग पड़े, कहते हैं अच्छा रहन दे, चांटिंग कर दी सी, चलो वो तो गुरुजी का लाइट मोमेंट्स भी होती थी हमारे साथ बहुत, और डांट भी खाते थे गुरुजी से, तो प्यार गुरु का हमारे साथ हमेशा से रहा है। एंड तो ये सिस्टर को मैंने बोला कि तू मेरे साथ, ये 50 साल से शिव जी की भगत थी, और ये पर ये मुझे हमेशा कहती थी कि मैं गुरु जी को मानती हूँ, लेकिन गुरु जी हैं, शिव जी हैं। तो एनीवे मैंने इसको बोला कि मेरी आके तुम हेल्प करोगी। और तो मैं जब सुबह उठी, ये रात को आ गई मेरे पास, मैं जब सुबह उठी तो ये बैठी हुई बाहर, मैंने कहा क्या हुआ तुम सुबह सुबह बाहर बैठी हो? कहती है कि मुझे गुरुजी ड्रीम में आके कहते हैं, फिर देख मैं थे ओम नमो शिवाय कराता ना। तो मैंने कहा इसका मतलब क्या? कहती है कि मैं जब यहाँ बैठ, तुम नीचे चांटिंग करती थी जिन दिनों, तो मैं ऊपर जब बैठती थी, मैं तुम्हारे मंदिर में, मेरे ऊपर भी कमरे के बाहर छोटा सा एक मैंने मंदिर बनाया हुआ है, तो मैं मंदिर में बैठ के शिव जी को हमेशा कहती थी, शिव जी ए ओम नमो शिवाय क्यों नहीं कर दी, चांटिंग क्यों कर दी? तो कहती मैं गुरुजी को, आज गुरुजी ने मुझे बोला कि देख, पर मैंने गुरुजी को कभी नहीं बोला था, लेकिन आज गुरुजी ने मुझे ये मैसेज दे के मुझे ये बात बताई है कि शिव और गुरु एक हैं। तो हमने कहा ये शिव पुराण में तो ये लिखा ही हुआ है कि गुरु और शिव तो एक हैं, गुरु ही शिव है और शिव ही गुरु है, और हमारे गुरुजी की महिमा तो अपरंपार है, ये उनकी ब्लेसिंग्स और उनकी प्रोटेक्शन इतनी अमेजिंग है। आज हम उनकी छत्र छाया में ऐश की जिंदगी बिता रहे हैं, मतलब उनकी ब्लेसिंग्स
आर सो अमेजिंग, सो ब्यूटिफुल, जो हमने कोविड टाइम में भी एक्सपीरियंस किया. रोज तो हम करते ही हैं एक्सपीरियंस, लेकिन वो जो इतना मुश्किल टाइम हम सबके लिए था, उसमें भी हमने एक्सपीरियंस किया. उन दिनों क्या हुआ था मेरे साथ कि कोविड तो हमें बाद में हुआ, पर उससे पहले क्या हुआ कि अब सारे हम घर पे बैठे रहते थे, कुछ काम भी करते थे, लेकिन बस वो सारा फोकस खाने पीने में रहता था. तो गलत भी खाते थे और थोड़ा वो एक घुटन सी भी महसूस होती थी सारा दिन रात घर बैठ बैठ के. तो एक दिन हम सत्संग भी करते थे घर में, जिससे कनेक्शन गुरुजी से स्ट्रांग होता जाए. और रात को सोने से पहले मैं जो ये मंदिर का प्लेटफॉर्म है इधर से, मैं रोज रात को 10 बजे सत्संग सुनती थी. मैंने सत्संग लगाया और मैं सत्संग सुन रही थी, और वो सुनते सुनते मैं सो गई. और मैं सुनते सुनते सो गई, और कोई मेरे का सत्संग खत्म होने से 5-10 मिनट पहले सोई होंगी. और उससे थोड़ी देर बाद मेरी नींद खुली, जो कभी जो नॉर्मली नहीं खुलती थी. कोई 11:15-11 के करीब नींद खुली, और मुझे थोड़ी डिसकंफर्ट सा अनकंफर्टेबल फीलिंग हुई ऑन माय लेफ्ट आर्म, शोल्डर, अपर शोल्डर में थोड़ी अनकंफर्टेबल सी फीलिंग हुई. तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या है, गलत शायद बाजू पे सो गई हूँ. तो आई ट्राइड एवरीथिंग, बट इट वॉज अ वेरी स्ट्रेंज, बड़ी अजीब सी एक फीलिंग थी. तो बहुत साइड्स चेंज करी, कुछ नहीं हुआ. फिर उठ के बैठी, पानी पिया, कुछ नहीं हुआ. थोड़ा चला, कुछ नहीं. फिर मैंने कहा ये तो अब अंकल को उठाना पड़ेगा. तो अंकल को उठाया. मैंने कहा ये तो अब कुछ मेरे को कोई मेडिसिन दो, मेरे को तो पता नहीं क्या एसिडिटी है या क्या है. सो अंकल कहते नहीं, ये तो मुझे कुछ प्रॉब्लम ही लग रही है, ये तो एसिडिटी नहीं है. सो अंकल ने बच्चों को उठाया, मेरे सन और डॉटर ने दोनों आए नीचे, और उन्होंने आके मुझे देखा. सो मेरी डॉटर लो कहती है कि मैंने कहा मुझे बच्चे कोई दवाई दे दो बस. कहती है नहीं नहीं मॉम, आपको तो हॉस्पिटल चलना पड़ेगा. मैंने कहा नहीं नहीं, हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, आई एम परफेक्टली ओके. तो शी सेड कि नहीं मॉम प्लीज आप हॉस्पिटल चलो. तो एनीवे आई एग्री. तो हम सब मुझे हॉस्पिटल ले गए. मैं बड़े आराम से चल के गाड़ी में बैठी, फिर चल के अंदर हॉस्पिटल में गई. तो 12:15 का टाइम था अंदर. वहां पे मुझे उन्होंने उनका जो रूम होता है वहां लिया, और कहने लगे क्या प्रॉब्लम है आपको. मैंने कहा पता नहीं, मुझे यहाँ थोड़ा अनकंफर्टेबल फीलिंग लग रही है. सो दे टुक माय बीपी. तो मेरा बीपी संगत जी क्या था, 200/100. मतलब the nurses there were so shocked. कहते हैं आप कैसे आए. मैंने कहा कुछ नहीं, चल के आई. तो कहते हैं आप ठीक है. मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक हूँ. तो कहते हैं पर आपका बीपी तो बहुत हाई है. तो मैंने कहा कोई बात नहीं, एक दवाई दे दो. आई डिडंट रियलाइज कितना सिवियर वो सिचुएशन थी. मैंने रियलाइज नहीं किया. मैंने कहा नहीं मुझे दवाई दे दो और मैं घर चली जाऊंगी. कहते नहीं आप घर नहीं जा सकते. उन्होंने फटाफट इधर ट्यूब लगाई उधर ट्यूब लगाई. सर आप लोग क्या कर रहे हो, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं घर जा रही हूँ. सो एनीवे उन्होंने डॉक्टर को बुलाया. तो वो डॉक्टर कहते हैं कि आप घर नहीं जा सकते, आपका बीपी बहुत हाई है. और मुझे उस टाइम इतनी समझ ही नहीं थी, बीपी के बारे में कुछ सुना भी नहीं हुआ था कि ये इतना हाई है और ये खतरा वाला बीपी है, इसमें कुछ भी आपको हार्ट में हो सकता है इस टाइम. तो भी डॉक्टर ने मुझे समझाया कि आपका हार्ट पे इफेक्ट कर सकता है, आपको कहीं भी ये इफेक्ट कर सकता है. आपने अगर जाना है, अगर यहाँ नहीं रुकना, किसी और हॉस्पिटल में चले जाओ. ये हॉस्पिटल नारायणा हमारे बिल्कुल घर के साथ था. तो हमने कहा चलो ठीक है, मैं यही रुक जाती हूँ रात को. तो कहते हैं आपको आईसीयू में रुकना पड़ेगा. सो हमने कहा आईसीयू में क्यों रुकना पड़ेगा. कहते हैं क्योंकि वो कोविड का टाइम था. तो अब कोविड के टेस्ट के बिना वो मुझे रूम हॉस्पिटल के अंदर नहीं लेके जा सकते थे. तो जो सामने कमरा था, अब वहां रूम में इन्होंने मुझे रखा. वहां पे कितने और पेशेंट थे उस आईसीयू में जिन्होंने कोविड का टेस्ट दिया हुआ था, एंड दे वर ऑल वेटिंग फॉर द रिपोर्ट. तो मैं भी उनमें शामिल हो गई. हम कोई 8-10 वहां पे लोग थे. और मैं थोड़ी घबराऊं भी कि इनमें से किसी को कोविड होगा तो मुझे भी हो जाएगा. पर मेरे पास गुरुजी थे, मेरा उनका स्वरूप, उनका पेंडेंट मेरे हाथ में. एक पल भी उनको मैंने छोड़ा नहीं. ऐसे गुरुजी मैं तो यहाँ पहुंच गई हूँ हॉस्पिटल, अब आप संभालो, आप ही देखो आपने क्या करना है यहाँ पे. एंड संगत जी वो सुबह मेरा रात को मेरा टेस्ट हुआ. सुबह जो रिपोर्ट आई, वो जितने वहां पेशेंट थे सबके सबकी रिपोर्ट नेगेटिव.
आई रियलाइज ये गुरु जी की कोई लीला है, उन्होंने सबको ब्लेस करना था, एक जरिया बनाना था मुझे यहाँ ले आए, और इन सबको उन्होंने ब्लेस किया, वो सब कोविड से फ्री होके छुटकारा मिलके घर चले गए। मुझे इन्होंने घर नहीं आने दिया, मुझे कहते हैं कि नहीं आपका अभी हमने और कंट्रोल करना है बीपी, आपको हम कार्डियक आईसीयू में यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं, आपको कार्डियक आईसीयू में ले जा रहे हैं। हमने कहा चलो ठीक है, कुछ घंटे वहां भी चले जाते हैं। तो जब वहां गई मैं तो वेरी नॉर्म फीलिंग, वेरी नॉर्मल, सारे मेरे टेस्ट हुए, सारे मेरे टेस्ट ठीक निकले। फिर मुझे डॉक्टर शाम को कहते हैं कि आपका हमने एंजियोग्राफी करनी है। तो मैंने कहा पर मेरी रिपोर्ट्स तो सारी ठीक आई हैं, आपने एंजियोग्राफी क्यों करनी है? कहते नहीं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमको तो करनी पड़ेगी ये। तो घर में बच्चे और मेरे अंकल भी कहने लगे कि नहीं ये करा लो, तो ये हमको एटलीस्ट सेफ हम फील करेंगे कि चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, पर मैं गुरुजी से अरदास करती रही। मैंने कहा गुरुजी आप ही बचाओ, मुझे नहीं पता ये क्या है क्या नहीं है, आप चाहते हो मैं ये करूं करवाऊं कि नहीं, नहीं चाहते, ये आप ही मुझे इसका जवाब दोगे, मुझे नहीं समझ। तो एनीवे अब इसकी कोई प्रोसीजर था कि आपको जल्दी खाना खिला के दवाई दे के सुला देते हैं और सुबह 5 बजे उठा के फिर ब्रेकफास्ट कराएंगे और फिर आपको ले जाएंगे। तो मैंने कहा गुरुजी आप बताओ आपने क्या करना है, आप ही जवाब दोगे। मैं ये अपना खाना जल्दी खा के सो गई एंड सडनली रात को मुझे किसी ने हिला के उठाया तो देखा मेरी सिस्टर वहां खड़ी हुई। तो मैंने कहा सिस्टर 5 बज गए? तो कहती नहीं आपने उसने मेरे कहा शायद 10:30-11 होंगे या 10:30 होंगे। कहती आपने एंजियोग्राफी करानी है सुबह? मैंने कहा हाँ जी मुझे डॉक्टर ने बोला है। तो कहती पर आपके सारे टेस्ट तो ठीक है, आप क्यों करा रहे हो? तो मैंने कहा नहीं कराना चाहिए। कहती बिल्कुल नहीं। आई वॉज सो हैप्पी, मैंने कहा गुरु जी थैंक यू सो मच कि मुझे नींद से उठा के ये मैसेज आपने दिलवाया। मैंने उसी टाइम मैंने कहा फोन तो हमारे पास होती नहीं, मैंने कहा मुझे एक मोबाइल ला के दो। मैंने उसी टाइम अंकल को फोन किया, मैंने कहा मैं नहीं करा रही हूँ एंजियोग्राफी सुबह, और मैंने डॉक्टर को फोन किया कि मैं नहीं करा रही हूँ, और मैं संगत जी घर आ गई। मतलब वो मैंने गुरु जी से इतना शुक्राना किया, गुरु जी को इतना शुक्राना किया कि गुरु जी आपकी मेहर आपकी ब्लेसिंग्स कि आज मुझे आपने कैसे बचा के कैसे यहाँ से निकाला, कैसे बचाया, मतलब 200/100 में कितना कुछ भी हो सकता था लेकिन मेरे गुरु ने मुझे बचा लिया। सो प्रॉब्लम्स तो हमारी लाइफ में आते हैं और आते ही रहेंगे, वी जस्ट हैव टू नो टू हैंडल इट, वी जस्ट हैव टू बिलीव इन अ गुरु कि गुरु जी हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो तो एकदम जैसे हमारे जैसे फादर है ना, वो जैसे फादर टेक फैमिली की केयर करते हैं, ही इज लाइक दैट, ही इज लाइक माय फादर। वो हर पल हाथ पकड़ के हर प्रॉब्लम से निकालते हैं। हमको नहीं पता हमारे लिए क्या ठीक है, हम तो सोचते हैं हमको ये चाहिए वो चाहिए, पर गुरुजी को पता है हमारे लिए क्या अच्छा है। मटीरियलिस्टिक थिंग्स से तो बिल्कुल ही बाहर निकाल चुके हैं गुरुजी हमको। आज हमारे पास छोटी गाड़ी है कि बड़ी गाड़ी है, कि घर बड़ा है कि घर छोटा है कि नहीं है कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि हमारा गुरु हमारे साथ है, हमारा रब हमारे साथ है, हर पल हमारे साथ है। वो हर दिन वैसे तो हमारा सत्संग है, हर पल हमारा सत्संग है, हर खुशी हर सुख हर गुरु जी का दिया हुआ है। इनफैक्ट जब मैं गुरु जी के पास गई तो गुरु जी ने मुझे पूछा कि कौन कौन है। ऐसे गुरु जी 2 बेटे हैं मेरे, कहने अच्छा। मैं क्या गुरु जी छोटा मेरे साथ रहता है और बड़ा बॉम्बे में रहता है गौरव। तो कहते हैं कि अच्छा ओदी फोटो लिया ते ओदा लोटा लिया, उन्हों मैं ब्लेस करना है। तो ये तो पहले मतलब सेकंड डे गुरु जी ने मुझे ये बोला था। अभी गई थी मैं गुरु जी के पास तो अभी मुझे पता नहीं था गुरु जी मैं रब मुझे कह रहे हैं, बट मुझे इतनी उनसे इतनी उनकी जो ऑरा था, उनके जो ब्यूटीफुल ऑरा उनका जो था कि उससे इतनी समझ तो आ गई थी कि ये कोई ऑर्डिनरी गुरु नहीं है, देयर इज समथिंग मच अबव दैट, कुछ मतलब कोई पावर है ये।
तो बहुत खुशी हुई सुन के कि गौरव को कोई मेरे बेटे को कोई ब्लेस करना चाह रहा है। तो मैं वो लोटा लेके बाहर आई और मैंने गौरव को फोन किया, मैंने कहा कि बच्चे वैसे मैं गुरुजी के पास आई हूँ। तो वो तो मेरे पे भड़क पड़ा, कहते मॉम आप चांटिंग करते करते ये कहाँ पहुंच गए गुरु के पास, ये आजकल कहाँ कोई गुरुओं के पास जाते हैं। मैंने कहा बच्चे अब मैं तो आ गई हूँ, आई डोंट नो, मैंने फोन रख दी। नेक्स्ट डे गुरुजी के पास गए, गुरुजी के पास हमने लोटा लिया, फोटो ली गुरुजी के पास, गुरुजी ने मुझे लोटा ब्लेस करके दिया। मैं बाहर आके मैंने गौरव को फोन किया, मैंने कहा बच्चे मैं तो ये लोटा लेके आपके पास कल फ्लाइट से आ रही हूँ। कहते नहीं मॉम आप नहीं आना, मैं आ रही हूँ, मैं आता हूँ। अब ये सारी गुरुजी की प्लानिंग थी। गौरव आया, गुरुजी ने उसको ब्लेस किया, गुरुजी के दर्शन किए उसने, गुरुजी ने उसको ब्लेस किया। गुरुजी कहते हैं कि तू हर दो हफ्ते बाद मैंने मिलन आया कर। गौरव हर दो हफ्ते बाद गुरुजी को मिलने आता था और हर बार गुरुजी उसको कहते थे जा ऐश कर, जा ऐश कर। मतलब गुरुजी ने ऐसे संभाला हुआ है उसको, इतना संभाला हुआ है उसको, मैं संगत जी बता नहीं सकती। छोटे बेटे को मेरे बारे में मेरे से पूछ रहे थे तो मैंने कहा गुरुजी वो MBA कर रहा है, करना चाह रहे हैं, अमेरिका जाना चाहते हैं। गुरुजी कहते नहीं वो अमेरिका नहीं जाएगा। मैं कहा गुरुजी यहाँ तो अच्छे कॉलेज में मिलती नहीं एडमिशन। कहते नहीं इतनी मिलेगी और अच्छे कॉलेज में मिलेगी। और सच में संगत जी गुरुजी ने उसको चोला छोड़ दिया था गुरुजी ने, पर उन्होंने उसको MDI में एडमिशन दिलवाई। ही डिड वेल इन हिज एग्जाम्स। टुडे आज वो इतना अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहा है। इट्स ऑल सारी ये मेरे गुरु की ब्लेसिंग्स है। मेरे ब्रदर्स सिस्टर्स को गुरुजी ने ब्लेस किया, आज सारे मेरे कजन्स भी, क्या मेरी पूरी फैमिली आज गुरुजी के पास आती है। गुरुजी से कनेक्शन बनाना इज सो इम्पोर्टेंट। ये मुझे गुरुजी ने बताया कि गुरुजी को लोग मतलब हमको हर बार बोला जाता है ना कि मंगो नहीं मन्नो। तो ये अब जब हम नए नए गुरु के पास गए तो हमको तो आदत है ना भिखारी गुरु, हमेशा रब के सामने बैठ के हम लोग मंदिरों में जाके क्या कहते थे, भगवान हमको पास कर दो, हमको ये कर दो, हमको अच्छा शादी का टाइम है तो हमको हस्बैंड अच्छा चाहिए, फिर शादी हो जाए तो बच्चे अच्छे, मतलब हर पल हम यही मांगते हैं। तो गुरु जी के पास मैं कुछ मांगने जा रही हूँ एम्पायर स्टेट में। गुरु जी कहते हैं आंटी गुरु को कुछ ना मंगी, बस गुरु नाल कनेक्शन बना, गुरु नु सब पता है। अब ये तो मैंने सुन लिया, अब बैठ गई मैं चुपचाप, पर मुझे ये समझ नहीं आई कि कनेक्शन बनाने का मतलब क्या है। मैं सोचूं मैं कि गुरु जी मैंने तो चांटिंग भी छोड़ दी, अब तो मैं आपके पास आ गई, मैं किससे पूछूं कनेक्शन, में किसी को जानती नहीं थी मंदिर में। मैंने कहा मैं किससे पूछूं कनेक्शन का मतलब क्या होता है। गुरुजी ने कनेक्शन का मतलब भी समझाया मुझे कि बड़े मंदिर में माथा टेकने गई एक बार, आई थिंक मेरी सेकंड विजिट थी वो बड़े मंदिर में, एक मंडे को जब मैं गई वहां पे एक आंटी सत्संग कर रही थी कि गुरु जब कहते हैं कनेक्शन बना दे मतलब किल भी ठोको तो गुरु नु याद करो। वही बात है कि नहीं कभी कभी किसी किसी के पास, अब हमारे पास तो बहुत टाइम है बट बहुत लोगों के पास टाइम नहीं मिलता कि बैठ के गुरु जी के साथ कि इतने इतने घंटों पाठ करें या कुछ करें, पर उनको याद करें हर पल। कहते हैं लिपस्टिक भी लगाओ मैनू याद करो, किल भी ठुको मैनू याद करो, हर पल गुरु को मन में बसायो, काम कर रहे हो मन में बसायो, हर पल जब गुरु जी को आपने मन में बसा लिया तो फिर आपको कोई चिंता की जरूरत ही नहीं है। मतलब हर समय हमारे संग है, हर पल हमारे संग है। गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमको लंगर प्रसाद से भी बहुत मिलती हैं, ये हम सबको पता है, संगत को भी पता है, हर एक को पता है कि हम उनका प्रसाद कैसे खाते हैं, मतलब चाट चाट के एकदम इतना तरसते हैं उनके लंगर के लिए। उसकी इम्पोर्टेंस मुझे पता लगी थी गुरु जी ने जब मुझे एक बार फर्स्ट टाइम मैं गुरु जी के जब मैं गुरु जी के पास बैठी हुई थी, अभी मुझे कुछ शायद हफ्ते या दिन हुए होंगे गुरु जी के पास गए, तो मैं मन में अपने बैठी सोच रही हूँ गुरु जी मुझे आपकी बहुत ब्लेसिंग्स चाहिए, बहुत ब्लेसिंग्स चाहिए। और गुरु जी पर गुरु जी से बात तो हम कर नहीं सकते थे जब तक गुरु जी हमसे बात नहीं करें, तो मैं गुरु जी को बोल रही हूँ मुझे गुरु जी आपकी बहुत ब्लेसिंग्स चाहिए। तो गुरु जी जब हम आज्ञा लेने गए लंगर प्रसाद के बाद, तो गुरु जी मुझे कहते हैं कि चल आंटी बैठ जा। तो हम बैठ गए, थोड़ी देर बाद गुरुजी कहते हैं कि चलो जाओ हुन लंगर प्रसाद करो एक होर, तेनू मैं ब्लेस करना होर, तेनू मैं ब्लेस करना होर। और मैं घबरा गई, मैंने कहा ये तो मैं
अपने मन में बोल रही थी, इनको कैसे पता लगा? नहीं समझी थी कि ये अंतर्यामी के सामने बैठी, उनको तो सब कुछ पता है। तो फिर हम लंगर प्रसाद करके आके फिर आज्ञा लेने गए, फिर गुरु जी ने बिठा दिया, कहने चले हलवा प्रसाद के लाओ इनको ब्लेस करने, फिर थोड़ी देर में बोलो इनको गाजर का हलवा खिलाओ इनको ब्लेस करने। इसमें 2:30 बज गए, फिर गुरु जी 2 बजे कहते हैं कि चलो एनु हूं, चल आंटी चाय प्रसाद पिए, उन तेन बहुत ब्लेस कर दिया। बाय देन मैं मतलब इतनी नर्वस, इतनी घबराई हुई थी कि ये क्या हो गया, ये तो रब के सामने शायद बैठी हूं मैं, ये ऐसे नहीं हो सकता, इनको कैसे पता मैं इतनी देर से ब्लेसिंग मांग रही हूँ। जब मैं बाहर आई, अंकल कहते क्या हुआ, तो इतनी घबराई क्यों हुई है? ऐसे ये हुआ मेरे साथ कि मैं उनके सामने बैठ के बोल रही हूँ और आज देखो उन्होंने कितनी ब्लेसिंग्स दी मुझे। सो ये हमारे गुरु जी हर पल हमको ब्लेस कर रहे हैं, हर पल हमारे संग है। वैसे तो हर दिन सत्संग है, हर पल एक सत्संग है, बट आई ये लेटेस्ट मेरे साथ जो सत्संग हुआ है, आई लाइक टू शेयर दैट। कि हमने अपने घर में, मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सुंदर मंदिर बनाया था, तो कोविड टाइम में वो मंदिर भी मतलब संगत ही नहीं आती थी, तो वो मंदिर भी सिर्फ हम दोनों बैठ के रोज वहां सत्संग करते थे अंकल और मैं। तो उन दिनों बारिशों में क्या हुआ कि पानी आना शुरू हो गया मंदिर के अंदर, तो वो बहुत पानी आए, अब समझ नहीं आए कि क्या करें। तो बहुत कोशिश की, लेबर नहीं मिलती थी, बहुत कोशिश की कोविड के बाद भी कि वो मंदिर किसी तरह ठीक हो, लेकिन मंदिर ठीक ही नहीं होता था, वो पानी फिर आता था। फिर हमने सोचा कि चलो पूरा घर रेनोवेट कराते हैं, इसी से शायद इसी में गुरुजी भी यही चाहते हैं। तो हमने पूरा हाउस रेनोवेशन के लिए सोचा, पर अब हमको रहने के लिए, बिकॉज मेरे 2 grandchildren हैं, मेरे बेटा बहू है और मेरा बेटा भी बॉम्बे से आता रहता है, तो हमको एक घर चाहिए था जहां हम लोग सब शिफ्ट कर जाएं। अब प्रॉब्लम ये, मुझे टेंशन, ये प्रॉब्लम नहीं पर टेंशन ये हो गई थी कि कोई ऐसा घर नहीं मिल रहा था जहां पे मैं अपने गुरु का मंदिर, क्योंकि गुरु का मंदिर तो बहुत सुंदर और बड़ा बना हुआ था, और जहाँ गुरु जी की गद्दी थी, गुरु जी के इतने बड़े स्वरूप थे, कोई ऐसा घर नहीं मिल रहा था जहां पे मुझे एक इतना एक कमरा मिले जहां मैं अपने गुरु की गद्दी लगाऊं। बिकॉज मेरे गुरु नहीं तो मैं जोत जलाऊंगी तो बैठेंगे कहाँ, मुझे ब्लेस करने आएंगे तो मैं कहाँ बिठाऊं अपने गुरु को। और मुझे ये टेंशन बहुत खाई जा रही थी कि गुरु जी ऐसा घर कहाँ से लाऊं। तो फिर सोचा कि अब कुछ नहीं सोल्यूशन मिल रही तो क्या करें। फिर मेरी सिस्टर है एक, उसका घर बंद पड़ा था, तो मैंने कहा चलो वहां रख देंगे, पर वहां कहाँ सेवा होगी गुरु जी, कहाँ बंद घर में आ पाओगे, गद्दी गुरु जी की पैक करनी पड़ेगी। और मेरे गुरु सब जानता था, उसको सब पता था ये क्या, इसको खाया जा रहा है बात, क्या खाई जा रही है इसको बात। उन्होंने मुझे घर के पास, घर के अपने घर के सामने एक घर दिलाया जिसमें हमने एंटर किया। जब गुरु, जब संगत जी, मैं और मेरा बेटा जब पहली बार देखने आए, हमने एंटर किया तो सामने एक कमरा जिसमें सिर्फ ग्लास लगा हुआ, और वो एक बहुत सुंदर सा कमरा और ग्लास डोर लगा हुआ और एसी लगा हुआ। मैंने कहा ये क्या है? कहते ये मंदिर है। आई कुडंट बिलीव, मतलब मैं तो इतनी खुश हुई और इतनी शुक्राना गुरु जी को किया कि गुरु जी ये कुछ नहीं, सिर्फ आपकी मेहर है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहर है कि आप छोटी से छोटी बड़ी से हर बात हमारी सुनते हैं। आज कभी कभी ऐसे लगता है जैसे गुरु जी आप नहीं होते तो हमारा क्या होता। मैं तो सच्ची कहती हूँ, वो शब्द जो है ना, असी रुल जाना सी, मैं तो सच्ची रुल जाना था। मतलब गुरु जी ने मुझे हर पल संभाला है, हर रिश्ते में मुझे संभाला है, हर कष्ट से मुझे निकाला है, हर बीमारी से निकाला है, मतलब हर पल मेरा साथ दिया है। मैं तो कहती हूँ आप हो तो मैं हीरो हूं, नहीं तो मैं बिल्कुल जीरो, कुछ नहीं। गुरु जी कहते थे ना तुसी मेरे सामने चीटियां लगती, मैं तो कहती हूँ चीटी भी नहीं, मतलब इतनी जीरो, आए उनके बिना रह नहीं सकते ना जी सकते। मैं तो कहती हूँ गुरु जी थोड़े बिना तो ना जीना ना मरना, मतलब अब जो है सब आपके साथ है। ये जर्नी जो उनके साथ शुरू हुई इतनी सुंदर रही, अप्स एंड डाउन्स भी लाइफ में आते रहे, लेकिन वो हर पल हमें बचाते रहे। लगता है उनके बिना तो जी नहीं पाएंगे, उनके रंग में पूरी तरह से रंग चुकी हूं मैं। क्या मैं, एक तो लगता है पूरी संगत
हम सब उनके रंग में इतना रंग चुके हैं, उसमें हम डूब के रह गए हैं एकदम। गुरु जी बस आपसे यही अरदास है कि हर पल आप हमको अपने चरणों में रखें और आपका हाथ हर पल हमारे सर पे रहे। थैंक यू सो मच गुरु जी, आपका लाख लाख शुक्राना। जय गुरु जी।